आयोजित इस जनसभा में मंच पर विराजमान विशिष्ट महानुभाव, यहां समुपस्थित मातृशक्ति, बुजुर्गवार और साथियों, अभी लालजी भाई पटेल ने आंदोलन के तरीके बताए, बाद में मुरलीधर राव जी ने गली से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से दुनिया तक जो किसानों पर आज मार पड़ रही है और उसमें किसी की भी सरकार बन जाए, सब विपक्ष में रहते हैं तो बोलते कुछ, सत्ता में पहुंचते हैं तो करते उल्टा, और फिर विपक्ष में पहुंचा दे जनता फिर वैसी ही बांग लगाने लगते हैं। उसके बीच हम किसान लड़ाई के लिए तैयार हो, दूसरे की दया से भीख मांगने से अधिकार नहीं मिला करता, अपने बाहुबल परिश्रम और पराक्रम से हमको अपना रास्ता बनाना पड़ेगा, और उसमें हम किस पार्टी के हैं ये भेदभाव भूलना पड़ेगा। किसी की गद्दी को उछालने या किसी की गद्दी पर बिठाने के लिए हम किसान नहीं हैं, ये हमें अपने बर्ताव से जताना पड़ेगा। मुरलीधर राव जी ने ये बात कही। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि महाभारत में दो पात्र हुए, दोनों अच्छे, दोनों वीर हैं, लेकिन इतिहास एक को इज्जत देता है, दूसरे की गिनती नहीं करता। एक पात्र भीष्म पितामह, दूसरा श्री कृष्ण। इतिहास में हम सब श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, भीष्म पितामह का सम्मान करते हैं लेकिन पूजा नहीं करते, कहीं भीष्म पितामह का मंदिर नहीं बना। उसका कारण था कि भीष्म पितामह में गुण तो बहुत था, बाल ब्रह्मचारी थे, चाहते तो अपने धनुष बाण से कौरवों और पांडवों दोनों को समाप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी दूसरी बात की प्रतिज्ञा ले रखी थी। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करूंगा, कृष्ण ने प्रतिज्ञा ली कि मैं धर्म की रक्षा करूंगा। नतीजा यह हुआ कि हस्तिनापुर के सिंहासन पर एक समय धृतराष्ट्र राजा बने, जो अंधे थे। उसके बाद बहुत अत्याचारी, अधार्मिक, गलत आदमी दुर्योधन राजा बना, लेकिन भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा लिया हुआ था हस्तिनापुर के सिंहासन को बचाऊंगा। तो दुर्योधन जनता पर अत्याचार करता गया और भीष्म पितामह हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा के लिए चौकीदारी करने लगे। महाभारत के हालात बने, धर्म की के पक्ष में श्री कृष्ण गए और हस्तिनापुर के सिंहासन को बचाने के फेर में कौरवों के साथ लग गए भीष्म पितामह। अब महाभारत की लड़ाई छिड़ी, भीष्म पितामह 10 दिन तक लड़ते रहे, लेकिन उनका अंत हुआ अर्जुन के बाणों से बिंध कर, उस बाणों के ही पलंग पर उनको लेटने को विवश होना पड़ा कुरुक्षेत्र के मैदान में। और कृष्ण ने धर्म की रक्षा का अपना काम किया, कौरव सब मारे गए, 100 के 100 मारे गए और पांडव बचे। जब बच गए तब कृष्ण ने कहा पांडवों को कि जाओ अच्छा शासन चलाने का उपदेश लो, उपदेश दे सकते हैं भीष्म पितामह। तो सारे पांडव, कुंती भी, द्रौपदी भी कुरुक्षेत्र के मैदान में वहां गए जहां भीष्म पितामह लेटे हुए थे, उनके पैरों की तरफ आ गए
और कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने भेजा है और आप हमें सही शासन चलाने का उपदेश दीजिए। तो भीष्म पितामह ने लेते लेते अच्छा शासन कैसे युधिष्ठिर चलाए इसका उपदेश दिया। बोलते रहे अच्छी अच्छी बातें। पीछे द्रौपदी खड़ी थी और द्रौपदी को रहा नहीं गया, उस भीड़ को चीर कर वो सामने आ गई और भीष्म पितामह से कहती है कि दादा आप तो इस समय बड़ा अच्छी अच्छी बात बोल रहे हो, मगर उस समय तुम्हारी ये जुबान कहां गई थी, उस समय तुम्हारा ये धनुष बाण कहां गया था जब मेरी इज्जत लुट रही थी भरे दरबार में कौरवों के, दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, उस समय तेरी जुबान कहां थी, आज तेरे धर्म के उपदेश को कौन सुने, क्यों सुने और क्यों सुने। तब भीष्म पितामह ने कहा बेटी ठीक ही कह रही है तू, लेकिन तुझे मालूम नहीं है एक बात, वो मैं बता रहा हूं। देख जब उस समय कौरवों की सभा में तेरी बेइज्जती हो रही थी तो सही कहती है, मैं केवल आंखें नीचे कर बैठ गया था, आंखें नीचे कर बैठा रहा, विदुर तो कम से कम दरबार से बाहर चला गया था और मैं वो देखने को विवश था, इसलिए था कि मेरी नसों में उस समय कौरवों के अन्न का ही बना हुआ रक्त बह रहा था और कौरवों के अन्न के खाने के कारण मेरे खून में जो गंदगी आ गई थी उसी के कारण मेरे अंदर वो संकल्प नहीं बन पाया और मैं हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा लिया हुआ था, इसलिए मैं कौरवों के खिलाफ दुर्योधन के खिलाफ हथियार नहीं उठा सका था। अब अर्जुन के महाभारत में लड़ाई के समय बाणों के कारण अब मैं जब पड़ा हूं तो मेरे शरीर से वो सारा दूषित रक्त बाहर निकल गया है, अब मेरा मस्तिष्क शुद्ध हो गया है और अब मैं ये अच्छा उपदेश देने की स्थिति में हूं। और बेटी सुन, ये जो कृष्ण है ना, कृष्ण को ये सब बातें मालूम, इसीलिए उसने इसके पहले पांडवों को इंद्रप्रस्थ का राजा शासन संभालने के बाद कृष्ण ने मेरे पास नहीं भेजा था, क्योंकि मैं उस समय उपदेश देने लायक नहीं हूं यह कृष्ण को मालूम था। दोस्तों मैं आज ये बात इसलिए कह रहा हूं, आगे लड़ाई तीखी है, आगे लड़ाई बड़ी है और यह बड़ी लड़ाई हमारी आगे की पीढ़ी को बेहतर जिंदगी दिलाने की लड़ाई है। दोस्तों हमारे घर का छोटा बच्चा खुशहाल जिंदगी जिएगा या नहीं, उसे रोजगार मिलेगा या नहीं, वो अपने देश की परंपरा के हिसाब से देश की इज्जत मान मर्यादा को बचा सकेगा या नहीं, लड़ाई इस बात की होगी। दोस्तों एक तरफ विदेशी ताकतें इस देश को नोच खाने को बेताब है, हमारे देश के बड़े बड़े पार्टियों के बड़े बड़े नेता उसे फर्क करने की जरूरत बहुत नहीं है। दोस्तों ये सब कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता बने हुए हैं, आज कुल्हाड़ी अकेले लोहे की रहती छोटी तो वो पेड़ को नहीं काट सकती, जब उस पेड़ के ही किसी एक टहनी को उसमें से निकालकर उसके हत्थे के रूप में जोड़ दिया जाता है तब वो कुल्हाड़ी उस पेड़ को ही नहीं पूरे जंगल को काट देने में सफल हो जाती है। तो विदेशी आर्थिक ताकतें तो कुल्हाड़ी है लोहे की और हमारे देश के नेता और नौकर शाह ये उनके हाथ में लकड़ी का दस्ता बने हुए हैं। दोस्तों कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता न होता तो जंगल के कटने का रास्ता न होता, ऐसे फर्क करने की जरूरत नहीं। दोस्तों पिछले दिनों में नागपुर और आसपास के यवतमाल, अमरावती, अकोला, गढ़चिरौली, वर्धा आदि सब जिलों में घूम रहा था, बदहवास सा था, क्योंकि एक के बाद एक उन किसानों के घरों में मैं जा रहा था जहां आत्महत्या की थी वहां के किसान ने, 19 घरों में मैं इस बीच गया था। सबसे आखिरी जहां गया था वहां उस घर की धर्मपत्नी
जिसका पति मर चुका था, वो तो 24 साल की थी, तीन बच्चियां थी, तीनों बच्चों की उम्र में केवल 5 साल का फासला था और घर में उसका बूढ़ा ससुर था, सास भी नहीं थी, 1.25 एकड़ की सूखी खेती थी। अब उस लड़की की जिंदगी कैसे गुजरे, मैं उस लड़की का बाप हूं तो मेरी बेटी की ये हालत होगी तो मैं जैसा परेशान होऊंगा, वही तो मैं परेशान था। और जब उस लड़की को देखता था, मेरी बेटी ऐसी होती, और उस जिस जात की लड़की थी उस जात में उस लड़की का फिर से विधवा विवाह नहीं हो सकता था। कई जातियों में तो विधवा विवाह होता है, लेकिन वहां तो वो भी नहीं था। दूसरे घर गया, वहां जो आदमी मर गया, 4 बेटियां थी, 2 बड़ी स्कूल में जा रही थी, पति के मरने के बाद दोनों बच्चियों का स्कूल जाना बंद हो गया था, उन बच्चों का आगे क्या होगा। यह सब दृश्य में देख रहा था, और वहीं दूसरी तरफ जब किसानों के लोग मिलने के लिए गए वहां के मुख्यमंत्री से कि तुमने तो कहा था अपनी पार्टी के घोषणा पत्र में कि कपास का दाम हम 2700 रुपया क्विंटल देंगे, दो मुझे 2700 रुपया क्विंटल, हम उसी के लिए आए हैं, उसी के बगैर तो आत्महत्या हो रही है क्योंकि हम कर्ज के किश्त की अदायगी नहीं कर पा रहे हैं, अब दिवाली का समय आ गया, तुम दिवाली के बाद कपास खरीदेंगे कह रहे हो, हमारे घर में दिया जलेगा कैसे, धनतेरस से बर्तन खरीदेंगे हम कैसे। ऐसी स्थिति में वहां पर उन किसानों को विलासराव देशमुख ने, जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के, उन्होंने यही तो कहा, अरे भाई चुनावी घोषणा पत्र में तो कुछ भी लिखा जाता है, उन बातों को बड़ी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर इतनी गैर जिम्मेदारी से बोलता है तो किसी भी शासन के प्रति किसान अपनी आस्था क्यों रखे, उसकी बात माने क्यों, उसकी बात का वजन क्यों दे, किसी की बात का भरोसा नहीं कर सकते दोस्तों। शरद पवार जो कृषि मंत्री केंद्र में है, उनसे बात हुई, क्योंकि विलास राव कहते थे सब चीजें प्रांत से कैसे तय होंगी, कृषि तो केंद्र का भी मसला है, और कृषि के किसान लोग वो मानो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के बीच फुटबॉल बन रहे हैं। समस्या को लेकर इनके पास आए तो ये लात मारते हैं, जाओ केंद्र के पास, केंद्र के पास जाए समस्या लेकर, वो कहते हैं प्रदेश का मामला है, फिर वो लात मार देते हैं, प्रदेश में जाने को कहते हैं। इसके बीच खेती और किसानी तो फुटबॉल बन रही है। तो जब कहा शरद पवार से कि तुम तो कुछ करो, इतनी आत्महत्याएं हो गई 1993 उदारीकरण के समय से लेकर और 2003 तक, हमारे देश में 1,00,000 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। 2006 में जनवरी से लेकर अभी नवंबर तक केवल विदर्भ महाराष्ट्र के एक हिस्से 7 जिले में 1300 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जब ये बात शरद पवार को कही गई तो उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने ये कहा, अरे इतना बड़ा देश है, वृद्धि भी इतनी तो हुई ही है, खेती की उपज भी तो बढ़ी ही है, कुछ हजार किसान आत्महत्या कर ले तो बात ही क्या है, शर्म आनी चाहिए थी उनको। वो कितना खेती और किसानी से जुड़े हुए हैं इस बात का सबूत है, देश की जनता के साथ क्या हमदर्दी उनकी बची है ये इसे सबूत है। लेकिन दोस्तों, किसी एक पार्टी के लोगों को क्यों देश दे। मैंने कल कहा था रावण की लंका में सब 52 गज के हैं, सभी का हाल यही दिखाई पड़ा है। आज हमको सुबह कृष्णानंद सिंह कह रहे थे, स्थिति तो ये है भैया, अगर कुत्ता है भूरे रंग का हो या सफेद हो या काला हो या चितकबरे रंग का हो, कुत्ता तो कुत्ता ही ठहरा, कहीं भी जाएगा अंत में पैर उठाकर पेशाब ही तो करेगा। किसी भी पार्टी की सरकार हो, उन्होंने किसानी और खेती के साथ, किसानों के साथ रवैया यही तो अख्तियार किया है। अभी हुआ किसानों की आत्महत्या, जब कपास के किसानों की विदर्भ में देख सुन रहा था तो भैया मौसम और मार्केट दोनों पर किसानों का तो कोई कंट्रोल है नहीं, उसका कंट्रोल तो अपनी मेहनत पर है, अपनी भूख को दबाए रखने पर है, अपनी नींद को सब दबाए रखने पर है, अपने परिवार के दुख दर्द को झेलते रहने की सहनशीलता पर ही है उसका कंट्रोल।
उसका कंट्रोल पानी बरसने पर तो है नहीं। बीज लगाया कर्जा लेकर कपास का और पानी पड़ा ही नहीं, बीज तो वैसे ही रह गया। अब दोबारा बीज लगाने का, क्योंकि वर्षा तो देर से हुई थी, अब दोबारा बीज के लिए किश्त कर्ज कहां से लेगा वो। दूसरे किसी के नाम से उसने कर्जा ले लिया, चलो बीज भी बो दिया, मगर उसके बाद फिर पानी नहीं बरसा, फूल ठीक लगे ही नहीं, कपास हुआ ही नहीं, कर्ज तो सिर पर चढ़ा ही है। उसी साल बेटे की शादी करनी थी, उसे सोचा था कि अक्टूबर में हमारा कपास बिक जाएगा, हम बेटे की शादी नवंबर के बाद के मुहूर्त में करेंगे। अब लड़के वाले तो आने वाले हैं सगाई तय करने के लिए, अब क्या स्वागत करेगा वो किसान। उसके बाद लगता है कि सारी समस्याओं से निजात पाने का एक ही रास्ता तो बचा कि अपनी मौत बुला ले। उसी में से आत्महत्या की समस्या बनी कि किसान का मन सोचने लगा कि जैसी स्थितियां हैं, जैसे हालात हैं, जैसे हालात बना दिए गए हैं, उसमें से मेरे बचाव का कोई रास्ता नहीं है, मेरे छुटकारे का एक ही रास्ता है, मानो आत्महत्या। इस संपूर्ण व्यवस्था ने हमें जीने नहीं दिया, तो उस व्यवस्था को नकारने का, विरोध प्रकट करने का किसान के पास वही एक रास्ता बचा था, वो था अपनी मौत बुलाना, आत्महत्या। यह आत्महत्या संपूर्ण व्यवस्था के प्रति विरोध प्रदर्शन करने का किसान का शांतिपूर्ण सत्याग्रह का तरीका ही तो बचा। परिवार का आगे क्या होगा, वो अपनी जिम्मेदारी से जरूर वो बच गया। अब ऐसे में जब फसल कभी अच्छी हो भी गई कपास की, तो दाम कहां से मिलेगा। सरकार ने कहा हम तो खरीदेंगे नहीं, जिन जिनको खरीदना बेचना हो आपस में कर ले। पहले तय था कि सरकार खरीदेगी, सरकार 2100 में खरीदे। अब उसके बाद पिछले सरकार के समय, एनडीए सरकार के समय में, आज पार्टी के जिम्मेदार अध्यक्ष बने हुए व्यक्ति कृषि मंत्री थे उस समय में, एनडीए के सरकार में, उन्होंने उस समय में मात्रात्मक प्रतिबंध हटाया था विश्व व्यापार संगठन की के बहाने। नतीजा था यहाँ बाहर से कपास आ गया था, यहाँ के किसान को 2100 मिलना था, वो 1400-1500 में बेचने को बेबस हो गया और कोई रास्ता नहीं बचा था। वहीं आगे जब और एक बार दाम मिलता, तब तक उन्होंने आयात शुल्क इंपोर्ट ड्यूटी घटा लिया था, 7% से 10% ले आए थे पिछली सरकार के नुमाइंदे लोग जो दिल्ली में राज कर रहे थे। और किसानों की आत्महत्या के लिए क्या वो जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि चाहे वो एक समय कांग्रेस के लोग हों, एक समय बीजेपी के हों, एक समय वामपंथी हों, सब में कांग्रेस या और प्रकार के एनडीए ने, यूपीए ने, सबने किसानों के साथ विश्वासघात ही किया है। उनमें से किसी को अब नैतिक अधिकार नहीं रह जाता कि वो किसानों की मांग को उठाए, उन पर भरोसा नहीं रह सकता किसी का, क्योंकि जब जब जिसने मौका पाया उसने छुरा ही भोंका किसानों के अरमान पर। इसलिए आज हमको अपने ढंग से सोचना पड़ेगा दोस्तों, अपने आगे की पीढ़ी की जिंदगी की खुशहाली के लिए हमें जिम्मेदारी अपनी महसूस कर अपना रास्ता खुद तलाशना होगा दोस्तों। इसके लिए मैंने कहा कि हमारी कोई पार्टी नहीं हो सकती, हमारा कोई संगठन नहीं हो सकता है। व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, व्यक्ति से बड़ा संगठन, संगठन से बड़ा समाज। देश बचेगा तो मिटेगा कौन, लेकिन देश मिटेगा तो बचेगा कौन। और किसान और देश ये तो एक रूप है भैया। हमारे देश में 100 आदमी में से 65 आदमी किसानी पर है, और हमारे देश के हुक्मरान हमारे देश की खेती किसानी को अमेरिका की तर्ज पर ले जाना चाहते हैं। उन्हें यह मालूम है क्या कि अमेरिका के 30 करोड़ आबादी में से केवल 28 लाख किसान हैं, 100 में एक भी नहीं। भारत में 100 में 65 लोग किसानी पर हैं, 65 करोड़ लोग किसानी पर हैं। अमेरिका के एक किसान की औसत जोत 6000 एकड़ है, भारत के किसान की औसत जोत 4 एकड़ है। 4 एकड़ की खेती करने वाला और 6000 एकड़ की खेती करने वाले को एक ही नियम लगाने की कोशिश करोगे तो ये 4 एकड़ की किसान के मौत का पैगाम ही तो होगा। लेकिन हमारे देश के हुक्मरान बिना समझे वो इस देश को अमेरिका बना देना चाहते हैं। हमको उसमें से रास्ता निकालना पड़ेगा दोस्तों, मेरा ये कहना है।
कि वो दूसरे की तरफ अब देखने से, झांकने से, उम्मीद करने से काम नहीं बनने वाला है। इसलिए हमको अपनी मांगों के बारे में अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा, और इस लड़ाई के लड़ते समय में मेरा कौन, तेरा कौन, पराया कौन, इसके बारे में एक ही बात समझें। हम किसी पार्टी और किसी संगठन को ठेका अब देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए हमको अपने रास्ते चलना, और उसमें एक तरफ हम कम पूंजी कम लागत की बेहतर खेती की तरफ मुड़े, मिश्रित और बहुफसली खेती की तरफ मुड़े, हमारी अपनी पुरानी खेती की परंपरा को याद करें, और दूसरी तरफ हमें सही मूल्य कैसे मिले, हमें कर्ज सही ब्याज दर पर कैसे मिले, हमें हमारे सामान का मार्केट कहां से उपलब्ध हो, हमें सिंचाई के लिए बिजली ठीक कैसे मिले। इसके लिए गांव से लेकर दिल्ली तक हमें एक साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और ये लड़ाई दूसरा कोई हमारे नहीं लड़ेगा। ये हम सब जब एक बार समझ कर चलेंगे तो हम आगे हम सब लड़ाई के मोर्चे पर एक साथ दिखेंगे, यही विश्वास प्रकट करता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।